मैं हूं अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट राजस्थान। आज हमारे साथ है दीपाली फर्नीश, जो महाराष्ट्र से आई हुई है और कलार्को होटल में यहां पर एक मिस इंडिया नाम से प्रोग्राम होने वाला है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि पिछले 10 वर्षों से इनकी ऑर्गेनाइजेशन है मिस इंडिया, तो उसी के ताल्लुक से ये हमें बता रही है। आइए जानते हैं मिस इंडिया दीपाली फर्नीश से। नमस्ते, मैं हूँ दीपाली फर्नीस, मिसेस इंडिया पैजेंट्स की डायरेक्टर। आज मैं हूँ रणथंबोर के क्लार्क्स इन स्वीट्स में। यहाँ पे हमारा फाइनल्स हो रहा है मिसेस इंडिया 2022-2023 का, और ये हम 10 साल से कर रहे हैं। इस 10 साल पूरे हो चुके हैं मिसेस इंडिया के, और इस दौरान हमने बहुत सारे इंटरनेशनल विनर्स दिए हैं। मिसेस इंडिया के थ्रू हम ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारी विविधता है, जो पूरे देश में जो हमारी ब्यूटी है उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारा कल्चर, टूरिज्म, हमारा खान पान, फूड, जो धरोहर बेसिकली है इंडिया की, हैंडलूम्स, ये सब सेलिब्रेट हम करते हैं। इस बार हमारा जो थीम है वो है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और इसके चलते ही हम रणथंबोर में हैं, क्योंकि रणथंबोर में नेशनल टाइगर रिजर्व है। तो ये सारी चीज़ें मिलके बहुत खूबसूरती से आई है। और कितने पार्टिसिपेंट हैं इसमें? 32 पार्टिसिपेंट्स हैं इस बार, और देश विदेश से आए हैं, 3 एज कैटेगरीज में आए हैं। तो हमारी सबसे यंग कंटेस्टेंट 21 है और सबसे ओल्ड कंटेस्टेंट 77 ईयर्स है। तो ये बहुत ही बेहतरीन शो होने वाला है, तो आप ज़रूर जुड़े रहिए मिसेस इंडिया से बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ।